एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होगी, मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ गाइस एक महीने के लिए मम्मी के साथ। मम्मी पापा सब हम चंडीगढ़ आ गए हैं और विंटर्स में तो यही रहता है कि यस गर्मी भर काम करते रहते हैं और विंटर्स में तो रेस्ट चाहिए ही बॉडी को, तो प्रॉपर चेकअप वगैरह यही सब चलता रहता है हमेशा की तरह। तो मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को चंडीगढ़ वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए तो गाइज, एक महीने आपने किन्नौर से दूर रहना है तो सामान तो आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम किन्नौर से लेकर आए हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं हमारे, उनके आटा, दाल, ड्राई फ्रूट्स, सेब की पेटी, ये सारी चीज़ें ना हम किन्नौर से लेके आए स्पेशली यहाँ पर खाने के लिए, घी वगैरह। और मैं कीवी भी लेके आई हूँ। यहाँ देखिए, धूप में बैठ के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, कीवी, इसलिए कीवी को भी लेके आई हूँ। गाइस, हम लोग चंडीगढ़ में ना सारे जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं वो लेकर आए हैं। तो ये रागी ग्रेन का मम्मी चिल्टे बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम अपना जो है खेतों का अनाज, ये फल फ्रूट सब लेकर आते हैं आते वक्त खाने के लिए। तो यहाँ भी हेल्दी खाते हैं। और ये मम्मी ने कढ़ी बनाई है, साथ में ये बना रहे हैं यहाँ पर। और ये मम्मी लगे हुए हैं। और हम जब से आए हैं तब से बारिश ही हो रही है, बाहर का मौसम देखिए, और धुंध ही धुंध है यहाँ पर, कपड़े नहीं सूख रहे हैं हमारे, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें आजकल यहाँ पर ना। ऐसे ही है बस, देखिए। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं डिकैथलॉन और यहाँ हमेशा मुझे ऐसे ही रश नज़र आती है, ख़ास करके जब सेल लगी हो। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ लेना है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर अपने जीजू दीदी और मम्मी के साथ, देखते हैं बाकी चीज़ें। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्यूट सा यहाँ पे कैप दिख रहा है, टोपी, कितने अंदर से वार्म भी है और अच्छा भी लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है यहाँ पे ना, क्यूट क्यूट है। मुझे ना ऐसे ऐसे देखकर ना ऐसा लगता है जैसे स्नोफॉल पड़ी हो ना तब पहनने का मज़ा है, अदरवाइज़ तो मज़ा ही ना है पहनने का। मम्मी को अपने शूज़ मिल गए खेतों में पहनने के लिए, दी बेस्ट है, मम्मी हमेशा यही शूज़ लेते हैं। अभी चेक कर रहे हैं, मैंने भी एक जूते लिया था यहाँ डिकैथलॉन से, ये वाला काफ़ी अच्छा चला, मेरा एक साल हो रहे हैं अभी भी बहुत अच्छे हैं, खेतों में चलने के लिए ना सबसे बेस्ट है ये। मम्मी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है मम्मी साइज टाइट है, तो इसे एक ज़्यादा नंबर ले लो ना, टाइट है तो 37 है ना, हाँ 38 देख लो। अच्छा हाँ, ये भी लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है पर जूते बहुत अच्छा है। हाँ तो फिर आप लोग मोटे सॉक्स भी पहनते हैं सर्दियों में तो, है ना। प्राइस, इसकी प्राइस है 2000 और मेरे हिसाब से तो इतना ठीक है क्योंकि ये काफ़ी साल चलते हैं। मम्मी ने कितना साल हो रहा है मम्मी आपको, 4-5 साल हो गई ये वाले जूते लेके। हाँ तो अब जाके मम्मी ने जूते ले रहे हैं, मुझे ही लेकर एक साल हो रहा है। अच्छा सोल उसका वो घिस गया है ना, तो हम पहाड़ियों के लिए तो ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लग रहा है ये कलर, सूट कर रहा है यहाँ पे, जच रहे हैं आप। बाजू तो इसमें थोड़े से लंबे ही होते हैं, मेरे पास भी था पर्पल कलर का बाजू, लंबे थे इसमें।
दोस्तों अभी मार्केट से आए, हमें 1 घंटा हो रहा है और कुछ खाने का मन कर रहा था तो घर से ये हम बनाकर लेकर आए थे। हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया है, हमारी बोली में इसे पक कहा जाता है और किन्नौर के और दूसरी जगह में इसे पुक भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए अखरोट वगैरह इसमें डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मज़ा आ जाता है ये खाने में ना, मूढ़ी भी बोलते हैं इसको और हम बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि मैं चंडीगढ़ आ गई हूँ, इसलिए काफ़ी छोटा शॉर्ट ब्लॉग बनाया है मैंने। और आते ही ना बहुत सारा काम हो जाता है कि साफ सफाई करना, इतने टाइम से यहाँ पर धूल धूल जमा होता है, फिर वही सब मैनेज करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आगे और वीडियोस में बनाऊंगी, तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।